जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नहीं धूप का हम ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। वो आई बाबा, मुझे मुझे आप लोगों से कुछ खास बात करनी, आपको एक सच्चाई बतानी। वैश्य और धर्मेश की कैसी सच्चाई बेटी? ये क्या बोल रही है तू? मेरा मतलब है खुल के कहना। अच्छा एक काम कर, पहले तू अंदर चल, हम लोग अंदर बैठकर बात करते हैं। चल। ओ, एक मिनट बाबा, वो फोन आ रहा है। हेलो, अर्चना, मैं धर्मेश बोल रहा हूँ। अर्चना देखो, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन जरा सोचो अर्चना, अगर ये असलियत सबको पता चल गई तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अर्चना, सबकी टेंशन बढ़ जाएगी। अर्चना इससे बेहतर होगा कि हम बैठकर इस मुश्किल का कोई हल निकालें। और अर्चना मेरे पास हल है, तुम प्लीज मुझे एक मौका दो, तुम यहाँ पर आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वैशाली की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्लीज अर्चना मुझे एक मौका दो। लगता है धर्मेश को उसकी गलती का एहसास हो गया, इसलिए शायद मुझसे मिलना चाहता है। मुझे अपने लिए ना सही, वैश्यू की खातिर ही सही, लेकिन मुझे उससे एक बार मिलना ही होगा। क्या हुआ अर्जुन, किसका फोन था? और तो धर्मेश और वैश्यू के बारे में क्या बताने वाली थी? आई वो अब नहीं बता सकते। अरे ऐसे कैसे, अभी अभी तो बाबा, मुझे अभी भी वैश्यू का फोन आया था और उसने कहा कि मैं कुछ ना बताऊं, वही आपको सब बताएगी। मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे बेटी, तो क्या सोचा आपने? थैंक्स अर्चना, तुम यहाँ पर आई, तुमने मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दिया। तुम वैशु को सारी सच्चाई बताना चाहती हो ना? तो बता दो। मैं तो कहता हूं अभी बता दो। या आई एम सीरियस। देखो ना, जो बात मैं इतने टाइम से उसे बताना चाहता था, वो बात तुम जाकर उसे बता दोगी तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। मुझे ये जो किटकिट है ना दो दो शादियों की, इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनकर जाना, कि जब मेरी दो शादियों वाली बात सबको पता चलेगी तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपनी एक पत्नी को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी पत्नी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। और जहां तक मैं कानून जानता हूं, जब तक इंसान की पहली शादी बरकरार हो, उसकी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब है कि माधुरी के साथ जो मेरा रिश्ता है वो जायज है, और तुम्हारी बहन वैशाली के साथ जो मेरा रिश्ता है वो नाजायज है। तो ठीक है, मैं वैशाली को छोड़ देता हूँ और फिर आराम से सुकून से माधुरी के साथ अपनी जिंदगी बसर करूँगा। लेकिन उसके बाद वैशाली का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? अर्चना वैशाली माँ बनने वाली है,
जब तुम उसे मेरी असलियत बता दोगी तो क्या होगा? हो सकता है वो ये सब बर्दाश्त ही ना कर पाए, शायद वो खुदकुशी कर ले। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी अर्जुन। जाओ जाकर उसको सारी असलियत बता दो, जाओ ना। धर्मेश तुम इतना गिर जाओगे, मैंने ये तुमने सोचा नहीं था ना, मैं तो ऑलरेडी गिरा हुआ और अपने आप को बचाने के लिए इससे भी नीचे गिर सकता हूँ। तुम मुझे बेइज्जत करना चाहती हो ना, मेरी असलियत सबके सामने लाना चाहती हो ना, तो जाओ। लेकिन उसके बाद मैं वैशाली के साथ क्या करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो जाओ वैशाली को जाकर सारी असलियत बता दो, उसके बाद हमारे घर आ जाना देखने तमाशा। मैं वैशाली को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूँगा। तो कब आ रही हो घर? जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। अर्चना मैं तो कहता हूँ तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं कार में तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं ये बात वैशु को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वैशु अकेली नहीं, उसके पेट में बच्चा है। लेकिन अगर ये बात मैं छुपाती रही तो धर्मेश की हिम्मत और बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वो इससे भी बड़ी गलती करे। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। अभी तो मैंने किसी तरह अर्चना को संभाल लिया है, पर वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगी। मुझे अब कोई ऐसा तोड़ निकालना होगा जिससे अर्चना वैशु तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि अगर वैशु को इस बात की भनक भी पड़ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अर्चना वैशाली माँ बनने वाली, उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। जब तुम उसे तुम्हारी बहन वैशाली के साथ जो मेरा रिश्ता है वो नाजायज है, वो ये सब बर्दाश्त। अर्चना वैशाली माँ बनने वाली, शायद वो खुदकुशी कर ले, वो नाजायज है, वो नाजायज। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी अर्चना। क्या बात है अर्चना, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज मेरी मुलाकात धर्मेश से हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धर्मेश इस हद तक गिर सकता है। मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब मैंने उसे माधुरी के साथ देखा ना मानव, तो मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैं क्या करूं मानव, अब क्या होगा हमारे वैश्य का, उसके भविष्य का? वो प्रेग्नेंट है और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्चना अर्चना तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हें धर्मेश से डायरेक्टली बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बप्पा है ना, और वैश्यों के साथ बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, चिंता मत करो। एक बात याद रखना, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और अब मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। अब मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी सबके सामने, तुम्हारी इज्जत उतार के रहूंगी, मैं वैश्यों को तुम्हारी असलियत बताकर रहूंगी। ऐसा दगा दिया है किस्मत ने भी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज वो पता भी चला तो किसे? अर्चना को, एक ऐसी औरत जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही चुप किया जा सकता है। अगर वाकई में अर्चना ने ये बात वैशु को बता दी तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी भी तरह अर्चना को रोकना होगा। हर तरफ से मेरे लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही
जहाँ वैशु माँ बनने वाली है वहाँ माधुरी, न मैं वैशाली की सच्चाई को छुटला सकता हूँ और न ही माधुरी की सच्चाई को। ऊपर से अर्चना का डर, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अगर अर्चना ये बात बता भी दे तब भी वैशु को उस पर यकीन ना हो। ऐसे भी आज की तारीख में वैशाली अर्चना और मानव दोनों को पसंद नहीं करती। उसके मन में उन दोनों के लिए जो नफरत है, मुझे उस नफरत को बढ़ाना होगा। इस हद तक बढ़ाना होगा कि वो उन्हें अपनी नजरों के सामने भी बर्दाश्त ना कर सके। फिर उनकी बात सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या बोल रहे हो तुम? क्या ठीक रहेगा? हाँ, कुछ नहीं, बिजनेस के बारे में सोच रहा था। क्या तुम अभी तक सोए नहीं? हाँ, नींद ही नहीं आ रही है। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुना दी। अशु, मैं सोच रहा था क्यों ना इस खुशी के मौके पर हम एक छोटी सी पार्टी दे दें। खुशियां तो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है ना, है ना? चलो अब सो जाओ। धर्मेश, तुम्हारी चाय। क्या? अच्छा मुझे एक बात कहो, कल रात को तुमने मुझे कहा था कि तुम पार्टी अरेंज करने वाले हो। आर यू सीरियस फॉर दैट? क्यों, तुम्हें कोई शक है मेरे कहने पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर पार्टी अरेंज करनी है तो हमें सबको इनवाइट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी तक ये बात किसी को बताई नहीं है। क्यों? क्यों मतलब? सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी। ओ, तो ऐसा करो, तुम ये मेरा फोन लो, मेरे फोन से फोन करके सबको पार्टी के लिए इनवाइट करो। और हाँ, सबको ये भी बताना कि मैं बहुत जल्द बाप बनने वाला हूँ। ठीक है, चल। आहो, जरा फोन घ्या। उठे के लिए? हेलो, आई मी वैशु बोलती है। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसी है? और आज अचानक आई की कैसे याद आई? याद तो तेरी रोज ही आती है, लेकिन काम के कारण फोन नहीं कर पाती। अच्छा सुन ना, आज मैंने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है, तो मैंने इनविटेशन के लिए फोन किया, तो तुम लोग सब लोग आना। अब पार्टी किस खुशी में? आई कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? अरे आई तू भी ना, सब मेरे ही मुंह से उलवाएगी क्या? तो खुद समझ जाना। अरे तू साफ साफ खुलकर बताएगी तभी तो समझ पाऊंगी ना। बता ना कौन? कोई ससुराल से आने वाले है क्या मेहमान? आई तू आजी बनने वाली है। काय अहो भाई, खरच? अहो ऐकलत का? वैशु कह रहे कि हम नाना नानी बनने वाले हैं। क्या? क्या? हम नाना नानी? अरे अगो माझ्याकडून अभिनंदन सांगते ना। सांगते सांगते। अभिनंदन बेटा, तुम्हारे बाबा भी बता रहे हैं। थैंक यू आई। अच्छा इस खुशी में जावाई बापू ने पार्टी रखी है। उन्हें कहना कि हम जरूर आएंगे। और सुन, अब अपना ख्याल रखना। हाँ, और सुन ना, तू दादा वहनी को भी कहना आने को। देखो अगर उन्हें छुट्टी मिलेगी ना तो वो जरूर आएंगे। ठीक है? अच्छा चल, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देनी है। ठीक है? अच्छा ठीक है। लो भाई, मुंह मीठा कर लो। अरे वाह, लगे मिठाई। बहुत दिनों के बाद इस घर में खुशी की लहर आई है ना। अच्छा ठीक है, आज के लिए आपको मिठाई में आपका ही खाइए। क्या वैशु, कैसी पार्टी? मैं माँ बनने वाली। क्या वैशु? वैशु कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे क्या बात है, मुझे भी तो बताओ ना। वैशु ने बहुत अच्छी खबर दी है।
वो प्रेग्नेंट है। अच्छा तो उस दिन ये बात तो धर्मेश को बताने वाली थी। हाँ? और इसीलिए वो सब गिफ्ट एंड ऑल। क्या वैशु, मुझे पहले बता देती तो मैं तेरी हेल्प कर पाती ना। लालो मैं बात करता हूँ। अरे सो वुड बी मदर, हाँ मुबारक हो। थैंक यू जीजू। लेकिन हाँ मैं बहुत नाराज हूँ। अरे यार बहन को ना सही, कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा जीजा हूँ यार, इतना तो हक बनता है मेरा। लेकिन आप सबसे पहले ये हक धर्मेश रखता है, इसीलिए मैंने सोचा मैं पहले उसे ही बताऊं। और जीजू अब आप दोनों भी ऐसी एक खुशखबरी देने की जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दो, ठीक है? अच्छा चलिए जीजू मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन देनी बाकी है। ठीक है आपसे बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है बाय। ये हो गए, जयवंत हो गया, मिस्टर महाबोले हो गए, अब माधुरी। जी कहिए। हेलो माधुरी जी, मैं वैशाली बोल रही हूँ, धर्मेश की पत्नी। आप वही है ना जो पूना की कंपनी में काम करती है और जिनको अभी पैसों की जरूरत थी? अभी आपका बेटा कैसा है? जी वो ठीक है अब। अच्छा दरअसल हमने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है जहाँ पे हमने मुंबई के और पूना के सारे स्टाफ को इनवाइट किया। आप तो जानते हैं ना धर्मेश अपने स्टाफ को अपने फैमिली का एक हिस्सा ही मानते हैं। तो आप ज़रूर आइएगा। हाँ जी मैं जान सकती हूँ ये पार्टी किस खुशी में? एक्चुअली मैं माँ बनने वाली हूँ और इसी खुशी में धर्मेश ने पार्टी अरेंज की। ठीक है चलिए मैं रखती हूँ फोन, मुझे बहुत सारे लोगों को भी इनवाइट करना है। क्या वर्ष फिर से वही बात सोच रही? मैंने बहुत कोशिश कर रही हूँ हर चीज भुलाने की लेकिन नहीं दिमाग से जा रहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वैशु के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, धर्मेश उसे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं उसे कुछ बता नहीं पा रही। आज वैशु खुश है लेकिन कल जब उसे सच्चाई पता चलेगी उसे बहुत तकलीफ होगी। मैं उसकी बहन होकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही, अन्याय के खिलाफ नहीं खड़ी हो पा रही, अंदर ही अंदर मेरी मजबूरी मुझे खाए जा रही। अच्छा तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा ना कुछ गलत नहीं होगा, बस हमें सही वक्त का इंतजार करना है। ये मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पैशु को बता कर... अभी ऐसा मत करना, तुम जानती हो ना आज तक जब भी हमने सच्चाई बताने की कोशिश की है सबको, सबने हमें ही गलत समझा है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वक्त इंतजार करना चाहिए और फिर सही मौका देख के सबको बताना चाहिए। शायद आप सही कह रहे हैं, चिंता मत करो सब ठीक होगा। चलो अब मैं निकलता हूँ और आज शाम को आते वक्त तो थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ नई नौकरी के लिए, वो यहाँ से बहुत दूर है। नई नौकरी? यासर भाई ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं कुछ कहा नहीं, लेकिन अच्छा तुम जानती हो ना एक मैकेनिक की नौकरी में तरक्की बहुत कम है, इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी नौकरी मिले जिसमें तरक्की हो सके। जैसा आपको ठीक लगे। चलो एक मिनट है, मैंने मानव ये लीजिए दही शक्कर, अब सब अच्छा होगा। चलो मैं चलता हूँ। मानव माधुरी जी आप यहाँ बॉम्बे में, आप कैसी हैं?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आपकी वाइफ अर्चना? हम दोनों ठीक हैं। ये कैसा है? ये पहले से काफी अच्छा है। एक्चुअली मैं दो दिन से मुंबई में ही हूँ, लेकिन ये आज ही आया है, इसके मामा इसे छोड़ने आए थे। जी अच्छा, आपने बताया नहीं आप मुंबई में? मैं अपने पति से मिलने। आपको कहा तो था कि मेरे पति ज्यादातर मुंबई में रहते हैं, उनका काम है यहाँ पे। वैसे आप यहाँ कहाँ रहते हैं? आप अपने घर का पता दे दीजिए ना मुझे। वो क्या है ना, मुझे अर्चना से मिलने का बहुत मन है। एक जरूरी काम है मुझे, मैं ऐसे भी लेट हो गया हूँ, तो मैं निकलता हूँ। मैं अगली बार जब भी आपसे मिलूंगा तो दे दूंगा। इन्हें क्या हो गया? पुणे में जब मुलाकात हुई थी तो काफी अच्छे ढंग से बात कर रहे थे, लेकिन आज ही इतने अजीब ढंग से कैसे? Congrats sir. Thank you. Congrats Mani. Thank you so much. देवंत, हमारे अपने जब हमारी खुशियों में शामिल होते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और आज तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्यों ऐशु? अच्छा देवंत, देखो मेहता साहब वेट कर रहे होंगे। हाँ सर। हाय मैनी। ऐशु। अरे बाबा। खुश रहो। सुखी रहो। सुखी रहो। तुम्हारे जीवन में इसी तरह से खुशियां हमेशा आती रहे। सच कहती हूँ, मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। जो लड़की कल तक मेरे आगे पीछे आई आई करके नाचती थी, अब वो खुद आई बनने जा रही है। आइए ना अंदर। आइए ना। हाँ। नमस्ते नमस्ते। परशु। अरे कैसे हैं ताई? Congratulations. Thank you so much. बाना को। बहुत खुशी हुई जानते हो। बाप बनने वाला? और बताया अभी नहीं? हाँ, अभी कल से सारा काम बंद, टाइम पे घर जाने का, ठीक है? थैंक यू जीजू। क्यों भाई? क्यों क्या, घर जाके बीवी का ख्याल कौन रखेगा? चलो अंदर चलते हैं। चल ले ना। माँ बनना कितना प्यारा एहसास है, और मैंने इसी एहसास को मिटा दिया। मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, लेकिन क्या पता शायद यही वो वजह होगी जो मुझे और सतीश को एक दूसरे के करीब ले आएगी। अरे वर्षा भी तो प्रेग्नेंट है ना, कौन सा महीना चल रहा है इसका? तुझे पता नहीं, वर्षा ने अबॉर्शन करवा दिया है। जाने भी दो, जो हुआ सो हुआ। अब हमें आगे देखना है, अगर हम पीछे देख के चलेंगे ना तो गिर जाएंगे। एंड डोंट वरी, जो हमने खोया है वो हमें जरूर मिलेगा। और धर्मेश सर, नए नए बाप बनने का एहसास कैसा लग रहा है आपको? जिग्नेश, मैंने लाइफ में कभी नौकरी नहीं की, तो प्रमोशन होने की खुशी क्या होती मुझे मालूम नहीं था। आज वैशु की वजह से रियल लाइफ में मेरा प्रमोशन हुआ। मैं पति से पिता बनने जा रहा हूँ। आई एम रियली सच्चाई बताने तो नहीं आई। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार